प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह डरे हुए हैं और मंच पर आंसू तक बहा सकते हैं। कर्नाटक के विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री के भाषण सुने हैं, वह डरे हुए हैं, हो सकता है कि वह मंच पर आंसू बहाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया रैलियों में कांग्रेस को मंगलसूत्र, संपदा पुनर्वितरण और विरासत कर जैसे आरोपों से घेरने का प्रयास किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर उनके तरीके से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, वह चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी वह आपसे थाली बजाने को कहेंगे तो कभी आपके मोबाइल फोन पर टॉर्च लाइट जलाने को कहेंगे। गांधी ने कहा कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई समेत चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही बेरोजगारी समाप्त कर सकती है, महंगाई को काबू में कर सकती है और लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी दिला सकती है। राहुल ने कहा कि मोदी ने केवल गरीब जनता का पैसा लूटा है, उन्होंने कुछ लोगों को ही अरबपति बनाया है। देश में करीब 22 लोग हैं जिनकी संपदा देश के 70 करोड़ लोगों की संपत्ति के समान है। केवल 1% लोग देश के 40% संपदा पर नियंत्रण रखते हैं। मौजूदा हालात में दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के निर्धन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से सेना की नौकरियां छीन ली, वह अग्निवीर योजना लाए जो भारतीय सेना और सैनिकों का अपमान है, हम इसे समाप्त करेंगे।